ऐसा करना है मानसी के लिए, तो मैंने ये गाना सुना हुआ था, नीरज श्रीधर जी ने सुनाया था मुझे, तो मैंने वो गाना मानसी को बॉम्बे बुलाया और नीरज जी के स्टूडियो में हम गए और नीरज जी ने गवाया गाना, तो अच्छा गाई। तो जब अच्छा गाई तो हमने डिसाइड किया कि ये गाना हम इसको करते हैं और कुछ मतलब रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत शिद्दत से रिकॉर्ड किया उसने, मतलब कभी उसने रिकॉर्डिंग की नहीं थी, बट एक प्रोफेशनल सिंगर के जैसा मानसी ने उसको रिकॉर्ड किया और बाद में हमने उसको रिकॉर्डिंग के बाद गाना बहुत अच्छा निकल के आया। फिर हमने प्लान की शूट करने का, तो शॉन कैमरन उसके डायरेक्टर हैं जो कि रोहित शेट्टी के एसोसिएट रहे हैं, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, लॉलीपॉप जी ने कोरियोग्राफ किया और फाइनली हम इसको शूट किए और आज इसका लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना बना है और लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी तो आज रिलीज ही हुआ है तो धीरे धीरे लोग गाना हमें कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, ये भी जरा अपने ऑडियंस को बता दीजिए कि गाना हमें देखना है तो कहाँ जाके क्लिक करना चाहिए। ऑक्टेव म्यूजिक मेरी कंपनी है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और आज ही रिलीज हुआ है गाना, उसमें बहुत सारे गाने हैं और ये भी गाना आज है और ये डांसिंग नंबर है, लोगों को क्लब्स में और न्यू ईयर ईव में ये गाना बजना चाहिए, लोगों को पसंद आएगा, इतना अच्छा गाना बना है। सर, ऑक्टेव म्यूजिक का नाम तो सभी ने सुना है, आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहे बताना चाहे सबको। अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी हम कर रहे हैं एक गाना, बहुत क्लब मिक्स है, नेक्स्ट हम लोग का प्लान वो है वो करने के लिए, खोखो करके एक गाना है, विश्वा हैं वो गाने वाली हैं और बीशो उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो वो हमने नेक्स्ट लॉलीपॉप जी उसको और मुकेश मिश्रा दोनों मिलके करेंगे उसको डायरेक्शन एंड कोरियोग्राफी। और मैम आप कुछ कहना चाहेंगे, आप भी प्रोड्यूसर है गाने की, आप जो भी कहना चाहे गाने के बारे में। मैं यही कहूँगी कि सबने अपना अपना काम बहुत ही शिद्दत से किया है, सबने बहुत अच्छा काम किया है, सबका काम सराहनीय रहा है, इसीलिए सबको मैं पूरे टीम को शुभकामनाएं दूंगी। बस गाना बहुत अच्छा है, आप लोग तक पहुँचाइए, आप लोगों ने देखिए और सुनिए और उसको समर्थन कीजिए गाने को। और ये जो अपने माननीय अजीत पवार जी हैं, उदय सामंत जी हैं और जो भी अपने इंडस्ट्री से जो लोग आ रहे हैं, तो वो मानसिक और हम लोगों को मनोबल हम लोगों का बढ़ाने आ रहे हैं, समर्थन करने आ रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। अजीत दादा पवार आ रहे हैं और उद्योग मंत्री और शिक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो बस हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं उनका आए और हम लोग को मानसी को शुभकामनाएँ दें और हमें भी दें ब्लेसिंग्स कि हम इसमें आगे बढ़ें और अच्छा काम करें, कोशिश करेंगे अच्छा काम करें। नया आर्टिस्ट लॉन्च हो रहा है, ये बहुत हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। जब एक एल्बम एक आर्टिस्ट लॉन्च होता है उसके साथ कई लोगों के प्रोफेशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं और एज अ म्यूज़िक लवर, फर्स्ट टाइम अ म्यूज़िक लवर, मैं सुनना चाहूँगी कि क्या पेश हो रहा है, किस तरह पेश हो रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस वीडियो, हियर दिस ऑडियो फर्स्ट। तो मैं मानसी और उसकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ दूँगी और मैं यकीन से कहूँगी कि आपके माध्यम से ये गाना दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का हक होता है अपना ऑडियंस कमाने का। सो मुझे यकीन है कि मानसी को भी
उसके हक का ऑडियंस मिलेगा। वेरी वेल सर। एंड वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, आपके कुछ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हमें बताइए जो हम लोग भी शुड वॉच आउट फॉर। हाँ, बहुत बहुत कुछ लाइन अप है। देर आर थ्री फिल्म्स, जैसे मराठी में अभी बहुत ऑलरेडी फेमस हो चुकी है फिल्म झिम्मा, जिसका सेकेंड पार्ट अब रिलीज़ हो रहा है, और मैंने खुद कुछ गानों को म्यूज़िक दिया है, वो फिल्में भी बहुत जल्द रिलीज़ हो रही हैं। और आई बिलीव इन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, मैं यहाँ इसलिए भी हूँ कि ये इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है, बिकॉज आई बिलीव दैट मैं खुद एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से उभरी हुई आर्टिस्ट हूँ, जो एक आर्टिस्ट एक गाना अपने कंधे पर लेकर चलती है। मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि फिल्म के साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में भी मैं अपने आप को सिद्ध कर पाई हूँ और अभी भी कर रही हूँ। सो देर आर लॉट ऑफ जॉनर्स विच आई हैव टू सिंग, आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट इज़ माई वर्ड, सो आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, आई कीप ऑन लिसनिंग टू न्यू जॉनर्स एंड न्यू आर्टिस्ट, सो हियर आई एम टूडे टू लिसन टू अ न्यू आर्टिस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके मानसी जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस नए गाने के लिए। सबसे पहले गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि सैया क्या होने वाला है और लोगों को क्या सुनने मिलने वाला है इस गाने के। सो इट इज़ अ पार्टी सॉन्ग, आई होप यू एंजॉय टू द बीट्स, जस्ट ग्रूव, एंजॉय योर सेल्फ्स, एंड आई डोंट नो, देयर इज अ हुक स्टेप एज वेल, आई होप यू गाइस लव इट। ऑल्सो आपने फीचर भी किया है, आपने गाना भी गाया है, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इजी या डिफिकल्ट लगता है आपको, अगर उस बारे में कुछ बताएं। दिस वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस मेरे लिए, फर्स्ट टाइम ही कर रही थी, तो सब कुछ सीखने मिला नया, तो आई थिंक एवरीथिंग वॉज वेरी ओवरवेलमिंग एज वेल एज फन। ओनली अबाउट दिस सॉन्ग लाइक योर जर्नी द लाइफ वाइज, तो मैं बचपन से ही गाना सीख रही हूँ। मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं सिंगर बनूँ, लेकिन बीच में काफ़ी टाइम भी गया, दैट यू नो लेटर आई टुक इट सीरियसली एंड आई बिन गिविंग माई क्लासिकल म्यूजिक के एग्जाम्स, तो शास्त्रीय संगीत में चौहान सर के पास सीख रही हूँ, और अभी एक्चुअली मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक में ज़्यादा शौक है, तो मैं पॉप म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो सिंथिया फर्टाडो के पास मैं गाना सीख रही हूँ। Also, as a singer, कौन इंस्पायर करता है आपको? Wow, actually, like it's a long list. I love pop music and हमारा of course Indian music. So there's like I don't know, there's Beyonce, Taylor Swift, हमारे यहाँ पे मैं जिनके साथ मैंने काम किया है, नीरज श्रीधर जी, ही इज़ लाइक अमेजिंग, लाइक उनके साथ रह के पता चला ही सो डाउन टू अर्थ, लाइक यू नो दीज पीपल हैव दैट काइंड ऑफ आई डोंट नो, दे डोंट हैव दैट एटीट्यूड, दे हैव द डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ। ऑल्सो आपने गाने में फीचर भी किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा कायनात के साथ, और कायनात काफी एक्सपीरियंस है एज एन एक्ट्रेस, यस कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो मेरे लिए तो सारे कैमरास देख के मैं थोड़ी शुरुआत में डर ही गई थी ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माइंड, बट जैसे जैसे यू नो आई वॉज लर्निंग, दे वर टेलिंग मी व्हाट आई एम सपोज टू डू, द मूवमेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग, तो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड आई होप इट टर्न आउट वेल, आई होप यू गाइस लव इट। होश के सारे तितर उड़ गए, दिल का पिंजरा खोल के, चैन के सारे दाने चुग गए, हाय हेलो बोल के, खुद से कितना पीछे छुट गए, एक तरह से टोटल लुट गए, एक पल के दीदार में, सैया मेरा म्यूजिकल, सैया डीजे वाली बीट है, सैया नाचे फुल मैजिकल, सैया बाकी सब बेकार से। थैंक यू सो मच। एंड एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट आफ्टर दिस, इफ यू कैन शेयर समथिंग। देयर इज अनदर सॉन्ग कमिंग फ्रॉम द सेम एल्बम, बट बाकी आई लाइक यू नो विद ऑल योर लव एंड ऑल योर ब्लेसिंग्स आई होप आई गेट टू वर्क मोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
सबसे पहले इस गाने के बारे में बताइए और मानसी कैसे ऑन बोर्ड आई आपसे जानना चाहूँगा सर। देखिए सबसे पहले तो भाव साहब भोयर मेरे बड़े भाई हैं और आज का मेरा इनका संबंध नहीं है, करीबन 30 साल से मुझे मतलब मेरे छोटे भाई जैसा प्यार दिया इन्होंने, तो इनकी बेटी है मतलब मेरी भतीजी है, तो अपने घर की बात है और मानसी ने बहुत अच्छा गाना सीखा है, संगीत सीखा, तो इन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि नीरज उसको हमको एक कोई अच्छा एल्बम में उसको लॉन्च करना है। तो फिर नीरज श्रीधर जी ने एक गाना कंपोज किया था और मुझे सुनाया था, तो गाना मुझे अच्छा लगा तो मैंने भाऊ साहब को बताया कि ऐसा ऐसा गाना है, आप एक बार सुनिए, आपको अगर अच्छा लगता है। फिर मानसी आई तो वहाँ से और पूना से मानसी और भाऊ साहब आए और फिर हमने स्टूडियो में नीरज श्रीधर जी से मिले और इस गाने के बारे में डिटेलिंग में बात हुई, उसके बाद भाऊ साहब बोलेंगे आगे। सर जैसे सर ने कहा कि दोस्ती तो पुरानी है, लेकिन मानसी जब आप ऑन स्क्रीन देखते हो कितना इमोशनल, कितना प्राउड फील होता है सर? एक तो मेरी हिंदी में थोड़ी मराठी की खुशबू आएगी। प्रॉब्लम ऐसा कि मैं 27 साल ना ड्रामा प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र का और इस बहाने से मेरी कलात्मक जो है जर्नी है मेरी, तो उसमें से मैं बचपन से जो ये करके आया हूँ तो हर कलाकार का मैंने न्याय देने का ये किया। जब खुद की बारी आती है खुद के बच्चों को तो एक पावरफुल होता है, एक मतलब किए हुए कर्मों का एक अच्छा फल रहता है, तो वो मेरी जो ख्वाहिश थी वो मेरी लड़की पूरी कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मम्मी नहीं रहते हुए बात उसने वो अचीवमेंट की है। और ऐसे नहीं है कि गाना है मैं प्रोड्यूसर हूँ तो गाना है इसलिए गाना है, नहीं, वो मतलब 8 साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत सीख रही है, क्लासिकल संगीत सीख रही है और पॉप संगीत भी प्रॉपर वो संगीत सीखे, मैंने उसको प्रमोट किया क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का, 4 मेरी मराठी मूवीज़ हुई है, तो मैं टैलेंट्स को लेना चाहता हूँ, मतलब किसी चलो एक बार पहचान की वजह से कोई आगे आ सकता है लेकिन टैलेंट की वजह आपको तो पता है सबको टैलेंट के सिवा कुछ नहीं चलता, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी एक लड़की और नीरज भी मेरी फैमिली फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि चलो कि एक एजेंसी देखी फिर उसको लॉन्च करने का, ऐसा मेरा कोई तरीका नहीं काम करने का, जो दिल के रिश्ते होने चाहिए फिर वो भी समझ सकता है, वो पहले कलाकार बाद में, वो पहले भतीजी समझ के फिर कलाकार में उसमें उभरते हुए उसको क्या देना चाहिए उसने वो किया सर। सर ये तो म्यूजिक वीडियो देख के लगता है कि सुपरहिट होने वाला है, लेकिन इसके बाद के क्या प्लान है, क्या मराठी फिल्मों के म्यूजिक में भी क्या मानसी डेब्यू करने वाली है? वो देखो हर बाप को, एक तो ज़्यादातर वो बाप प्रोड्यूसर रहेगा तो उसको ऐसा ही लगता रहेगा कि हर गाना मेरी लड़की ने गाना चाहिए, तो ऐसा नहीं, वो संगीत के जो संगीतकार है प्रोड्यूसर जो रिक्वायरमेंट रहेंगी उसका जॉनर रहेगा तभी वो गाएगी, नहीं तो नहीं गाएगी। वेरी गुड। सर बॉलीवुड के कोई प्लान है बॉलीवुड? हाँ क्यों नहीं, अगर कुछ शेयर करना चाहे कोई प्रोजेक्ट साइन किया है मानसी? नहीं वो अंदर की बात है। ओके सर थैंक यू। आप सब देखेंगे। हमारे परम मित्र भाऊ साहिब जी भोयर, इनकी कन्या मानसी, इनका आज बॉलीवुड में पदार्पण हो रहा है, खुद का एक ओरिजिनल गाना लेके आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा फर्स्ट गाना जब लॉन्च हुआ था वो दिन याद आ रहा है, जब मेरी मधुबला आया था, एका दाजीबा आया था, जय जय महाराष्ट्र आया था। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा मुकाम होता है किसी सिंगर के लाइफ में, तो आज मानसी के लाइफ में वो सुनहरा दिन आ चुका है और मैंने वीडियो भी देखी है, गाना भी सुना है, बहुत बेहतरीन गाना हुआ है। मानसी एक बहुत अच्छी गायिका है, तो मैं उनको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके बहुत सारे गाने आएँ और उनको लोगों का प्यार मिले और उनकी तरक्की हो। ऑल द बेस्ट मानसी। सर इन फ्यूचर क्या हम आपका और मानसी का कोलैबोरेशन देख पाएंगे ऑन स्क्रीन, अगर इस बारे में कुछ बताएं? हमारा और मानसी का कोलैबोरेशन क्यों नहीं, ज़रूर हो सकता है, ज़रूर होता है। इट विल बी माय प्लेजर टू कंपोज फॉर वन डे फॉर श्योर। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग? अभी मेरा नया शो शुरू हुआ है सूर्यनवा ध्यासनवा ऑन कलर्स मराठी, जो कि 6 सीजन है और ऑन दिस 20th वी आर रिलीजिंग द 4th पार्ट ऑफ बॉयज फिल्म, बॉयज 1 2 3 4 मराठी फिल्म, तो एज अ प्रेजेंटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ। थैंक यू सर। थैंक यू।
थैंक यू एक खाली पिक्चर की तरफ सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा आप दोनों का एज अ कोरियोग्राफर सर आप बताइए और एज अ डायरेक्टर क्या कहना चाहेंगे ये शुरू किया हम लोगों ने तो सब हम लोग इंट्रोड्यूस किए और मैंने शॉन को मिला मैं और शॉन को मैं जानता हूँ शॉन का नाम भी सुना था अच्छा काम करता है और जब प्रोड्यूसर ने मिलाया नीरज ने तो मैंने बोला कि क्या चलो और एक नया उभरता डायरेक्टर है और उसके साथ काम करके लेकिन मैं जब काम किया मुझे ऐसा पता नहीं चला कि नया है मुझे ऐसा लगा कि नहीं नया नहीं है ये तो पुराना है और इससे सीखना पड़ेगा हमको बिकॉज आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं दे आर सो टैलेंटेड और उसने इतने खूबसूरती से जो आजकल चल रहा है गाने जो हम लोग करते हैं और इसके गाने करने में बहुत फ़र्क था एंड आई रियली लाइक्ड हिम वेरी मच और मैं दुआ करता हूँ कि और काम करे और हमको काम दे और ऐसे वीडियो इससे और अच्छे वीडियोस बनाए और शॉन मुझे लगता है ये गाने के बाद तो बहुत राइज होने वाला है दैट्स माय प्रेडिक्शन और जॉन अपना शॉन कुछ बोलो अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे कैसा ऑल आई हैव लर्न फ्रॉम दिस सॉन्ग इज दैट सब तो फादर फिगर ही ऑब्वियसली सब लेजेंड्स हैं सब सीनियर्स हैं एंड या इट वॉज बहुत बढ़िया सपोर्ट था सबका और काफ़ी मेहनत करी हम लोग ने नो डाउट नहीं मेहनत इसके लिए भी था कि क्या मानसी जो थी वो भी फर्स्ट टाइम कर रही थी और हम लोग लगातार उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे बिकॉज शी इज़ अ सिंगर क्योंकि हम लोग तो इंडस्ट्री में आते हैं हम लोग रोज काम करते हैं लेकिन एक नए को लेके आना और ऐसा परफॉर्मेंस कराना आई थिंक इट वाज अ चैलेंज फॉर शॉन ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो तो बहुत संभल के और बहुत उसको पूरा पोलाइट और पैम्पर थोड़ा जा करना वो कर वर के हम लोगों ने ये तैयार किया है बट आई थिंक दैट ऑडियंस विल लाइक वेरी मच माई स्टेप्स माई हुक स्टेप्स इज वेरी गुड और इसके तो सब हुक अच्छे हैं नट और हुक और सब बहुत बेहतर थे और आई थिंक दैट ऑडियंस देखने के बाद ही महसूस करेगी कि ये जो दौड़ है उससे बहुत अलग लड़का है थैंक यू वेरी मच गाइस एंड आई कैन टैलेंट्स लोग के साथ मैं बुड्ढा हो गया हूँ ऐसा तो नहीं बोलूँगा ऐसा नहीं बोलूँगा मैं सीनियर बोलूँगा ओके तो लेकिन इनके साथ काम करने में जो मज़ा आया यू रवि कुछ एक्सपीरियंस अपने एल्बम के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है थैंक्स टू माय बड़ी सॉन्ग बहुत भगाया तुझे ना हाँ हम लोगों ने बहुत भगाया बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हीरे मोती मैं ना चाहूँ मैं तो चाहूँ एल्बम तेरा जिसका नाम है सैया जिसे सुनेगा हर भाई वित भैया तो ये गाना जो है सैया जो है हर सैया को पसंद आएगा और हर सजनी को पसंद आएगा हर रजनी को पसंद आएगा हर गजनी को पसंद आएगा सैया भैया देखो अभी इसने मुझे पूछा कि 2023 में पब्लिक को क्या दे रहे हैं उनका गाली गलौज अरे भाई फिल्म का नाम है गाली गलौज जल्दी आ रही है OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर देखिएगा जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन है वैसे गाली गलौज फिल्म में गाली गलौज विलन है I just want to say all the very best and I think they will rock. The song is really nice. It will be everyone will listen to this. Maybe clubs will play it, so it will rock. Also, any of your upcoming projects with Mansi? I hopefully want to work with her soon. Maybe if it is possible, if she's willing to. I will definitely look forward to that. Tell us about your upcoming wedding. So it's a pre-wedding song that we are launching most probably on 25th of this month. So yeah, I hope you like it. Yeah. Thank you so much. शॉन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड और अभी से नहीं हम लोग की 4-5 साल से दोस्ती है
और मैं बहुत ही खुश हूँ एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं, रियली हैप्पी फॉर हिम एंड ऑल द वेरी बेस्ट. राइट नाउ इट्स नथिंग बट सून, बहुत जल्दी. थैंक यू, थैंक यू. क्या बेस्ट विशेस होगी सैया के लिए और सैया बहुत अच्छा गाना आज ही मैंने देखा फर्स्ट टाइम. सो इसके पहले थोड़ा ट्रेलर दिखा था मैंने, नीरज जी ने दिखाया था, तो इट वाज गुड एंड आज देख के भी बहुत अच्छा लगा. या मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है ऑक्टिव म्यूजिक के साथ. आई एम वेरी ऑनर एंड ग्रेटफुल टू नीरज मिश्रा सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड द सॉन्ग इज अ ब्लास्ट विच इज कमिंग वेरी सून, संग बाई मी एंड म्यूजिक बाई बिशो, वन ऑफ माई फ्रेंड. वी बोथ आर बंगाली, सो यू ऑल आर गोना सी द बंगाली मैजिक इन द सॉन्ग एंड द सॉन्ग कॉल्ड खो खो. थैंक यू. बहुत खूबसूरत गाना बनाया है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉन को और पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इतनी मेहनत से इतना खूबसूरत गाना बनाया और मेरे ख्याल से पब्लिक को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए और यही विशेज हैं सबके लिए. सी फर्स्ट ऑफ ऑल नीरज पांडे सर जो इनके डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है एक एक्टर के लिए और जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. जिस तरीके से पूरा प्रोसेस था सिलेक्शन से लेके उसके बाद शूट करने का, हमने मोरक्को में शूट किया था इसका, कुछ दो महीने हम शूट पे रहे थे और पूरी टीम ही जितने भी कलाकार जितने भी आर्टिस्ट थे पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे आए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था. और उसके बाद जैसे रिलीज़ हुई ऑडियंस का रिस्पॉन्स जो आया मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. मैं बहुत ओवरवेल्म फील करता हूँ कितना प्यार लोगों ने मुझे दिया. मतलब मैं उसमें नेगेटिव लीड प्ले कर रहा हूँ एज मोहसिन नाम है उसमें मेरे कैरेक्टर का और बहुत बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से और थैंक यू सबको उस प्यार के लिए. थैंक यू वेरी मच. एंड लवली सॉन्ग, द डायरेक्शन इज लवली, मानसी इज अ लवली गर्ल और हर वॉइस इज लवली. अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव द सिनेमेटोग्राफी एंड आई विल लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट सबको, पूरी टीम को, एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब. फैन से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं और आई रियली लव कि वो लोग जितना प्यार हमें देते हैं हमारी पूरी टीम को देते हैं, तो दैट्स वंडरफुल एंड आई जस्ट विश कि बहुत सारा प्यार मिलते रहे और हम ऐसे ही उन्हें एंटरटेन करते रहे. थैंक यू. अच्छा सॉन्ग बनाया है शॉन कैमरॉन जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इनकी मैंने पहले भी एक इनका गाना देखा है. सो बहुत कुछ है, बहुत कलरफुल गाना है, बहुत कैची सॉन्ग है, बहुत चलेगा. मेरी बेस्ट विशेस है सबको कि जिस तरह से जितनी मेहनत से ये बनी है उतना ही प्यार मिले ऑडियंस से. ये आप
आपकी जो सीरीज आई है बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे और अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में? थैंक यू यार, थैंक यू। UP65 है जियो सिनेमा पे, UP65 इज RTO नंबर ऑफ बनारस। तो मैंने वो सीरीज़ फर्स्ट टाइम मैंने एज अ लीड किया है, मैंने डेब्यू किया था सोनू के टीटू की स्वीटी से। तो जब आप लोग देखेंगे ये जियो सिनेमा पे आपको फ्री स्ट्रीम देखने को मिल जाएगा। तो बहुत मज़ेदार है, बनारस का एक लड़का है और उसकी कहानी है पूरी। और अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ संजू बाबा के साथ, द वर्जिन ड्रीम। तो उसमें भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बाबा के साथ थ्रू आउट द मूवी रहता है, तो बहुत बहुत मज़ेदार कैरेक्टर होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे कि आप सब यहाँ पे आए हैं सैया सॉन्ग पे, आई थिंक ऑल ऑफ द क्रू स्पेशली माई डियर फ्रेंड राज, बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत सारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और मानसी शी इज़ लवली, कायनाथ अरोड़ा पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत मज़ा आया ये सॉन्ग सुन के। आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। सो आई साउथ का एक फिल्म चल रहा है, बहुत जल्दी आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। सो थैंक यू। गुड कंपोजर, उनके कई गाने भी आ रहे हैं, वो सैया के बारे में भी बोलेंगे, अपने गानों के बारे में भी आप। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगा। एक न्यू टैलेंट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। हम भी जब आए, मैं और मेरे पार्टनर 1989-90 में टी सीरीज़ में, तो निखिल वेने की जोड़ी बनी, तो नए न्यू टैलेंट आया तो फिर हम आए। तो सिमिलरली आज मुझे वही दिन नज़र आ रहा है आज कि नीरज जी ने ऑक्टेव एंटरटेनमेंट में न्यू सिंगर को मानसी घुले जी को इंट्रोड्यूस किया और वो बहुत अच्छा गाया उन्होंने, बहुत ट्रेंडी गाना गाया, बहुत डिफ़िकल्ट गाना गाया उन्होंने। तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि अभी न्यू टैलेंट आएगा और मेरे ख्याल से अभी मोर एंड मोर न्यू टैलेंट आएगा। या सो आई एम डूइंग वन प्रोजेक्ट फॉर ऑक्टेव एंटरटेनमेंट ऑल्सो, इट्स रिलीजिंग टुमारो, इट्स अ माता का भजन एक्चुअली, इट्स आई मेरे घर पे माता। सो टुमारो इज़ अ रिलीज फॉर ऑक्टेव एंटरटेनमेंट, तो इट्स अ डिवोशनल प्रोजेक्ट, बट उनके साथ आगे हम लव सॉन्ग, जैसे मेरा फोटे है वो लव सॉन्ग्स भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। नीरज जी का इच्छा था कि पहले अब नवरात्रि चल रहा है, एक डिवोशनल गाने से शुरू करें, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑक्टेव एंटरटेनमेंट। जी नंबर है जो बहुत टाइम से हमने पैपी नंबर किया नहीं था, सो एक पैपी नंबर है। और नीरज सिरधर जो इनके कंपोज़र हैं, जो इस गाने के कंपोज़र हैं, वो पैपी नंबर के लिए जाने जाते हैं। और मानसी ने बहुत अच्छा गाना गाया है। तो और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? हाँ, अभी मतलब हमारा हर महीने 2-3 प्रोजेक्ट जो है ना लाइनअप है। जैसे लास्ट हमने उदित जी के साथ गाना किया था ऑक्टिव के लिए, सनुदा के साथ गाना किया था, अभी हमारा एक 8 गाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, बड़े सिंगर, 8 बड़े सिंगर के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है ऑक्टिव के लिए, वो लाइनअप है हमारा। थैंक यू। तो पहले मानसी जी को मेरे दिल से गहराई से उनको शुभेच्छा देता हूँ। आणि मी मराठीतून मी बोलतो, कारण मराठी राज्यामध्ये मी राहतो, आणि आमचे मित्र, आमचे मार्गदर्शक बोहीर साहेबांनी हा कार्यक्रम, म्हणजे भाऊसाहेबांनी खास करून मला त्यांच्या मुलीच्या आल्बमच्या कार्यक्रमाला या ठिकाणी बोलवलं। या कार्यक्रमाला आमचे नेते, आमचे प्रेरणास्थान माननीय अजितदादा पवार साहेबसुद्धा या ठिकाणी येणार होते, माझे मित्र आणि राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंतसाहेबसुद्धा या ठिकाणी येणार होते, पण ग्लोबल मेरीटाईम समिट 2023 एक जागतिक लेवलची कॉन्फरन्स मुंबईमध्ये या ठिकाणी होते आहे आणि त्या कार्यक्रमाला सगळेच त्या ठिकाणी बिझी आहेत। आणि मला माननीय अजितदादा पवार साहेबांनी मला सांगितलं की संजय भाऊसाहेब भोईर हे माझ्या कुटुंबातले व्यक्ती आहेत आणि तू त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे,
आणि त्यांच्या मुलीच्या अल्बमचं ओपनिंग त्या ठिकाणी करून आलं पाहिजे अशी सूचना मला त्या ठिकाणी दिल्या. आणि माझे आणि भोईर साहेबांचे आणि आदरणीय बसवराज पाटील साहेबांचे खूप वर्षापासूनचे त्या ठिकाणी संबंध आहेत. आज त्यांच्या मुलीचं अल्बमचं लॉन्चिंग त्या ठिकाणी होताना आम्हाला खूप त्या ठिकाणी आनंद होतो आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ते अल्बम त्या ठिकाणी बनवलेलं आहे. आणि म्हणून मी भारतातल्या जनतेला प्रेक्षकांना आवाहन करतो की अतिशय छान अल्बम त्या ठिकाणी पाहिलेला आहे, आपण पण त्या ठिकाणी जरूर पाहावं अशीसुद्धा या ठिकाणी मी विनंती करतो. आणि मनपूर्वक मानशीला आणि आदरणीय भोईर साहेबांनासुद्धा मी मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा आणि त्यांचं अभिनंदन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.